खबर है पलामू जिले के पांडू क्षेत्र से, जहां प्रखंड अंतर्गत कजरू कला के मदरसा सज्जादिया में शिक्षक विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन देखने को मिला। इस आयोजन का संचालन मौलाना फैजान रजा ने किया। इस विदाई समारोह में शिक्षक डॉक्टर सैयद फैजलुल होदा की विदाई की जा रही थी। बताते चलें कि डॉक्टर होदा एक ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनकी नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्त तक लगभग 40 वर्षों तक इसी मदरसे में वह रहे हैं। इनके पढ़ाए गए सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं जो झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी उच्च पदों पर तैनात हैं। इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों में एक MBBS, 50 शिक्षक एवं एक इंस्पेक्टर, 25 रोजगार सेवक, एक DRDO में, 2 सेल में, 10 इंजीनियर, 5 सिपाही के साथ साथ अन्य पद पर कार्यरत हैं। ये एक ऐसे शिक्षक हैं जो शुरुआती दौर में 12 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाने कजरू कला आते थे। आज इनके द्वारा किए गए कार्यों का फल साफ देखने को मिल रहा है, जहां विदाई समारोह में सैकड़ों की संख्या में हिंदू मुस्लिम के साथ क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता एक मंच पर दिखे। एक नई एकता की मिसाल पेश करता हुआ यह नज़ारा नजर आया। मौके पर जीप सदस्य प्रतिनिधि भाई गोविंद सिंह, पांडू प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि प्रदुमन सिंह उर्फ सिंटू सिंह, मुखिया इसरार अहमद, सुनील पांडे, इद्रीस हवारी, शेर अहमद, नवाज अहमद, मास्टर खादिम रसूल, मौलाना सरफुल हक, मास्टर साहबुद्दीन, मास्टर याकूब, मुफ्ती सज्जाद आलम, राजन मेहता, सफीर आलम, मुसरी यूनिस अंसारी, शकील अहमद, डॉक्टर नंदू यादव, जवाहिर पासवान के साथ साथ कई लोग मौजूद थे। संवाददाता अनिल शर्मा, पांडू, पलामू। सर, आपका इस मदरसे में योगदान क्या रहा है, कब तक मदरसा? मैं यहाँ मदरसे में 11 नवंबर 1983 को आया हूँ और मेरा जो मेरी नौकरी जो है नियमित हुआ है 3 मई 1986। लगभग 2 साल मैं प्राइवेटी के तौर पर बच्चों को शिक्षा दिया और जब मैं यहाँ आया था तो चूंकि उस समय आवागमन का भी साधन नहीं था, गाड़ियाँ जो है बरसात में जो है बंद हो जाती थी तो विश्रामपुर पैदल ही जाना पड़ता था। और जिस समय मैं यहाँ आया था उस समय विज्ञान शिक्षकों की बहुत कमी थी, यहाँ बहुत शिक्षा का अभाव था, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के पढ़ाने वाले शिक्षकों की बहुत ही कमी थी। मेरे आने के बाद कुछ दिनों के बाद मिश्रा जी, मुरारी मिश्रा जी पांडू हाई स्कूल में आए 2-3 साल के बाद, तो हमने जो है ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। तो ट्यूशन में हमारा जो है हिंदू मुसलमान सभी बच्चे आते थे पढ़ने के लिए और आज जो आप देख रहे हैं मेरे विदाई समारोह में उनकी उपस्थिति है, वही कारण है कि मैंने उनको शिक्षा दिया और कोशिश किया ईमानदारी से शिक्षा दूँ, उसमें कुछ हद तक कामयाब भी रहा हूँ। इसलिए कि आज मेरे जो है शिष्यों में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कस्टम अफसर भी हैं। ये जो है हमने उनके बुनियादी शिक्षक देने का प्रयास किया और मेरे पास जो है ये इस तरह का, क्योंकि डॉक्टर का पेशा और शिक्षक का पेशा होता है उसमें भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है, वो हमने उस पर जो है हम रहने की कोशिश किया और कुछ हद तक कामयाब हुआ। लोगों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से शिक्षा दीजिए, शिक्षा से बढ़ कर के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, शिक्षित और अशिक्षित में बहुत अंतर है समझे। इसलिए जो मेरे यहाँ शिक्षक हैं या और जो भी हैं यहाँ हैं या विद्यालय में हैं, मैं उन सबों से जहाँ भी बैठता हूँ तो कहता हूँ कि देखिए शिक्षकों का कोई जो है जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, ये सबसे हट करके शिक्षक।